जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरे पास ये एक लैपटॉप है, ये है राइजन 5 3550H के साथ 8GB रैम वगैरह के साथ, बाकी मेन स्पेसिफिकेशन आपके सामने है। और ये लैपटॉप मेरा नहीं है, हर्षित का नाम अक्सर सुनते हो ना आप, इनके फ्रेंड का है। अब ये लैपटॉप को हम ना आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी बनाने वाले हैं। समस्या कहाँ आ रही है इसके साथ कि भाई, एक तो ये गेमिंग लैपटॉप है, अब ये पिछले साल लिया गया था, 1.5 साल पुराना लैपटॉप है। शुरू शुरू में काफी अच्छा चलता है, विंडोज लैपटॉप में होता है ना, थोड़े दिन बाद स्लो हो जाता है, विंडो वगैरह रिफ्रेश करो थोड़ी चीजें बेटर भी हो जाती है। लेकिन कब तक ये काम किया जाए, क्योंकि अगर आज की डेट में इसकी स्पीड की बात करें 45 to 50 सेकंड लेता है ये मतलब डेस्कटॉप पे आने में। अगर इसको ऑन करते हो 5 सेकंड पासवर्ड जो एंटर किया उसको हटा दे तो मतलब 45 सेकंड। आपको पता होगा कुछ भी हो सकता है, कई बार 2 मिनट भी जा सकता है, उससे कम भी हो सकता है। उसके बाद जब भी पीसी ऑन होता है फर्स्ट टाइम कोई भी ऐप ओपन करो, जाहिर सी बात उसमें ज्यादा टाइम लगता है, बाद में वो दोबारा ओपन करो जल्दी होता है। इवन नॉर्मल सा काम है, बंदा लैपटॉप ऑन करता है फटाफट क्रोम ओपन करेगा कुछ सर्च करने के लिए, इसको लगते हैं कितना लगता है, हमने लिखा था, हमने ना सारा कैलकुलेशन करके लिखा हुआ था, 20 सेकंड के आसपास क्रोम ओपन होने में लगता है। इसके अंदर स्पॉटिफाई है, इसको अगर ओपन किया जाए इसको ओपन होने में 50 सेकंड के आसपास लग जाता है। वेलोरेंट ये गेम को ओपन होने में 30 सेकंड लगता है, हालांकि ये वाला टाइम मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगा। लेकिन हर चीज जो नीचे टास्क बार होता है ना, उसके ऊपर जो आइकन्स आने में, दिस पीसी ओपन करो पहली बार, या कुछ भी जब काम करोगे ना, मतलब हर चीज, वर्ड पैड वगैरह भी ओपन करो, सब में टाइम लगता है। याद होगा मैंने एक वीडियो दिया था आपको, ये वीडियो में मैंने बताया था, काफी सारे स्टेप बताए थे छोटे छोटे, जहां मैंने बताया था भाई कोशिश करा करो जब भी, अभी के डेट में तो 2021 में भाई 40,000 से ऊपर अगर आप गए ना, इवन नीचे में भी मिल जाता है, SSD की कोशिश किया करो। SSD के भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन हमने क्या किया, इस लैपटॉप के अंदर एक हार्ड डिस्क मिलती है 5400 RPM, और अगर इसको गूगल करो तो भाई ये दिखाता है 100 MBPS की होती है। क्या किया जाए, तो प्लान ये था कि इस लैपटॉप के अंदर ना अलग से स्लॉट दे रखा जिसमें हम एक अलग से SSD लगा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि भाई आपका लैपटॉप कौन से SSD को सपोर्ट करता है। हमने सिलेक्ट किया है क्रूशियल का, ये 500 GB वाला है, उसका बजट भाई इतना ही था, 4,500 रुपए के आसपास मिला है। इसकी रीड एंड राइट स्पीड 1900 MBPS के आसपास, मतलब जो ऑन पेपर है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि इसके अंदर हम कौन सा लगा रहे, सैमसंग का लगा रहे या इस ब्रांड का लगा रहे, क्वेश्चन ये है कि ये बात तो आप भी जानते हो कि भाई जब SSD लगाएंगे जाहिर सी बात है वो फास्ट होगा, लेकिन कितना फास्ट होगा चाहता हूँ लाइव देखना। तो हमने सोचा इसको हम खुद ही रिप्लेस करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और हमें भी पता लगेगा आपको भी पता लगेगा। तो काइंड ऑफ आपको ये, मैं काइंड ऑफ बहुत ज्यादा बोलने लग गया हूँ आजकल, काइंड ऑफ इग्नोर करना, करें शुरू। कुछ भी खोलता हूँ ना तो मुझे आजकल की याद आ जाती है, मैंने सुना नए फोन लेकर आ रहे हैं। अगर आप नए व्यूअर हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पुराने व्यूअर रिलेट कर रहे होंगे, तो नए व्यूअर क्यों हो, पुराने बनो, सब्सक्राइब प्लीज। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और हमारी जो हार्ड डिस्क लगने की इसमें ना जगह बनी हुई है, SSD लगने की, मतलब हार्ड डिस्क तो यहाँ लगी हुई है ये वाली, बट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे SSD। तो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है इस लैपटॉप में, क्योंकि पहले से इसमें स्लॉट बना हुआ, नहीं तो बहुत सारे लैपटॉप में क्या होता है कि भाई स्लॉट नहीं होता, लेकिन वो अलग से सपोर्ट कर सकते हैं, फिर आपको ना अलग से उसको कनेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, कैडी लेनी पड़ती है। कैडी होता है भाई कुछ, जब भी आप लैपटॉप बाय करते हो किसी भी रेट का हो, अब बिल्कुल सस्ते वाले में तो नहीं ऑप्शन मिलता, कोशिश करा करो ऐसा देखा करो जिसमें ना SSD का सपोर्ट हो, अलग से मतलब स्लॉट दिया हो, स्पेशली अगर आप उनमें से जो लॉन्ग टाइम के लिए भाई इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और जिनको चाहिए था उनको 500 GB चाहिए, वो उसमें गेम ही खेलना और कुछ काम करता है अपने, देखेगा ना वीडियो। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा, उसके बाद ये इससे लॉक हो जाएगा, इसको ओपन करना है बस, और अभी इसको ऑन करने वाले हम लोग। ओके, तो यहाँ पर भाई हमने सारे स्टेप कंप्लीट किए, और ये करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी शॉप वाले से भी करा सकते हैं काम, बिल्कुल नहीं पता तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो होने वाले हैं, मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ। हमारी विंडो जेन्युइन थी, हम इसको ना मतलब अलग से रीइंस्टॉल नहीं करना चाहते थे, और जो हमें बेस्ट मेथड लगा वो हमने फॉलो किया, मे बी इससे बेटर तरीका हो सकता हो, मैं अपना तरीका शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हर्षित ने काफी हेल्प की, जब आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे तो आपका जो SSD है शो नहीं करेगा आपका ये दिस पीसी है माई कंप्यूटर के अंदर। स्टेप हमारे ये फॉलो होने वाले हैं, जो विंडोज सी है ना इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और इसको प्रायोरिटी बनाएंगे, मतलब मेन, जैसे विंडो आपकी क्या होती है लोड होती है तो लोकल डिस्क सी से होती है ना, अब इससे होगी हमारा सारा काम, इससे होने लगेगा। जैसे नए नए लैपटॉप या पीसी लेते हो ना उसके पार्टीशन क्रिएट करते हो, सेम इसी तरीके से इसको लोकेट करना पड़ेगा। इसका नाम नूम दे दिया हमने, जो भी आपको अच्छा लगता है, लोकल डिस्क CDEFGH होता ना, तो हमें अब विंडोज को ट्रांसफर करना है इसके अंदर, तभी तो इससे बूट होगा। इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर यूज किया जिसका नाम है मिनी टूल, बट ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री नहीं है,
लेकिन ये विंडोज प्लेटफॉर्म है तो आप मैनेज कर सकते हो। हम यहाँ पे इन चीजों को तो नहीं प्रमोट कर सकते, लेकिन जो भी है ये हमने सॉफ्टवेयर यूज किया है। तो इस मिनी टूल के अंदर माइग्रेट ओएस का दो ऑप्शन मिलते हैं, मतलब टोटल डाटा को ट्रांसफर करना है या फिर सिर्फ विंडोज को करना है एप्लीकेशन के साथ। हमने सिर्फ विंडोज और एप्लीकेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया और उसके बाद ये यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपका पीसी रिस्टार्ट होगा। एक कोडिंग टाइप रन करता है, खुद ही करेगा, कुछ भी नहीं करना आपका, ये 100% जैसे ही हो जाएगा। उसके बाद फाइनल स्टेप है, जैसे किसी भी ब्रांड का लैपटॉप हो, ये Asus का है तो यहाँ पे F2 से आया था ऑप्शन, तो इसको यहाँ से बायो सेटिंग में जाना है और यहाँ पर बूट प्रायोरिटी का ऑप्शन आता है, कहाँ से बूट करना है भाई आपको विंडो को, बस यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया जहाँ से करना था, ओके कर दिया। ये डिपेंड करता भाई कौन सी कंपनी का लैपटॉप है, तो यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। और ये सारे स्टेप भाई मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बता दिए, ताकि मतलब आपको पता रहे कि क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ सकते हैं, लेकिन इसमें छोटी छोटी चीजें और भी होती हैं, तो आप ना यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं भाई आप नहीं कर सकते, काफी टेढ़ा मेढ़ा सा काम है या फिर आपकी डाटा डिलीट हो सकती है, तो बेस्ट तो ये रहेगा आप डाटा का बैकअप भी बना सकते हो, जो भी स्टेप फॉलो करके, नहीं तो आप बाहर शॉप पे चले जाओ, सेफ हो जाएगा। लेकिन जो हमारा काम था वो रेडी हो गया, मुझे स्पीड टेस्ट कराना था, वो देखते हैं, वेट कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, तभी तो कुछ फ़ायदा होगा अगर सच में इसको बूट होना होगा जल्दी। और ये जस्ट दैट्स इट, मतलब 10 सेकंड के अंदर हो गया। और सिंपली पासवर्ड है 9822, क्या था पासवर्ड, 8299, ये आ गया आपका मेन। और इसमें अगर मैं अब क्रोम ओपन करता हूँ, पिछली बार कितना ज़्यादा टाइम बताया था ना मैंने आपको, ये मैंने टैप किया और ये क्रोम मतलब काफ़ी फास्ट, अभी विंडोज़ जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, मतलब आपका मेन जो विंडो है ना, उसके बाद मैं कुछ और ओपन करता हूँ, ये मैंने फोल्डर ओपन किया, तो फोल्डर में ऐसा नहीं कि सुपर फास्ट हो गया, बट चीज़ें बहुत फास्ट हो चुकी है पहले से। स्पॉटिफाई ओपन होने में 50 सेकंड, ये हमने रीइंस्टॉल नहीं किया, हमने पूरा ट्रांसफ़र कर दिया था एप्लीकेशन को। स्पॉटिफाई का देखते हैं, ये मैंने टैप किया और मतलब ये अभी मैं अनकट शूट कर रहा हूँ, पिछली बार 50 सेकंड लगा था और ये ओपन हो चुका है और ये लोड हो चुका है। मैं प्लेलिस्ट नहीं दिखाना चाहूँगा, जाहिर सी बात है भाई, अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा भाई, हमने कुछ भी अंदर नहीं, ठीक है, हमने कोई झाका झाकी नहीं करी है, डोंट वरी। वन मोर थिंग, लैपटॉप उस टाइम भी चार्जिंग पे नहीं था, लैपटॉप अभी भी चार्जिंग पे नहीं है, क्योंकि चार्जिंग पे होगा तो आपको ये पता है विंडोज लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है, बेस्ट परफॉर्मेंस मोड पे तभी जाएगा। अब इस लैपटॉप की जिंदगी जो है ना, ये मैं शट डाउन कर रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शट डाउन भी हो जाएगा, जैसे ये अभी भी पीसी स्टार्ट हुआ और ये मैं ओपन कर रहा हूँ, फटाफट ओपन हो गया, ये भी बहुत टाइम लेता था पहले। इन शॉर्ट ये लैपटॉप 8 से 10 गुना फास्ट हो चुका है। स्पेशली मुद्दा ये नहीं कि भाई जल्दी बंद हो जाएगा, जल्दी ऑन हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये आप स्टूडेंट हो या कोई भी काम करते हो, ईमेल चेक करना है, गूगल क्रोम ओपन करना, यही तो डे टू डे लाइफ के टास्क होते हैं ना, फटाफट कुछ भी काम करना हुआ वो इंस्टेंट काम करने लग जाता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी इसके अंदर। यस, ये डेफिनेटली काम करता है, और अगर आपके लैपटॉप में ऐसी कुछ समस्या है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, कल की वीडियो ये वाली नहीं देखी तो जरूर देखना, और इधर भी कुछ लगा देंगे, ये नया स्टेप ट्राई कर रहा हूँ मैं पहली बार। इन शॉर्ट मैं दो मस्त मस्त वीडियो लगा दूंगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।